हरिओम तत्सत ओम श्री परमात्मने नमः। पतंजलि योग दर्शन में आज हम लोग चतुर्थ पाद कैवल्य पाद पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समाधि पाद, साधन पाद और विभूति पाद, कुल पतंजलि योग दर्शन में जैसा कि विदित है कुल चार पाद हैं, और ये चार पाद समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद तीन पढ़ चुके हैं। आज चौथा पाद कैवल्य पाद, जिसमें विभिन्न सिद्धियों के प्राप्ति की हेतु और समाधि पश्चात कैवल्य अर्थात केवल एक अर्थात मोक्ष अर्थात मुक्त पुरुष का व्यक्तित्व, कृतित्व और महत्व बतलाए गए हैं। पहले पाद में प्रधानता से समाधि के स्वरूप का वर्णन है, इस कारण इसे समाधि पाद कहते हैं। दूसरे में समाधि के साधनों का वर्णन है, इसलिए साधन पाद। तीसरे में प्रधानता से समाधि पाद द्वारा प्राप्त होने वाली नाना प्रकार की सिद्धियों का वर्णन, जिसे विभूति पाद कहा गया है। इन तीनों पादों में समाधि के वास्तविक फल अर्थात कैवल्य का वर्णन प्रसंगा अनुसार है, किंतु विवेचन पूर्वक नहीं हुआ, अतः उसका अच्छी तरह वर्णन करने के लिए यह चौथा पाद आरंभ किया गया है। तीसरे पाद में जो नाना प्रकार की सिद्धियां बतलाई गई थी विभूति पाद के अंदर, वे केवल समाधि से ही होती है ऐसी बात नहीं है, इसके कई सारे दूसरे उपाय भी हैं जिनसे सिद्धियां मिलती है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जाह सिद्धया, अर्थात जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली, ऐसे पांच प्रकार की सिद्धियां होती है। अर्थात यहां यह स्पष्ट हो गया कि सिद्धियां अर्थात विभूति पांच तरह से मिलती है। जन्म से अर्थात कोई कुलीन परिवार में जन्म लिया, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। शरीर, इंद्रिय और चित्त में परिवर्तन होने पर जो पहले की अपेक्षा विलक्षण अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियाँ पांच कारणों से होती हैं। पहला, जन्म से होने वाली सिद्धि। जब प्राणी का देहांत होता है, एक योनि से दूसरे योनि में जाता है, तब उसके प्रारब्ध अनुसार शरीर, इंद्रियां और चित्त का परिवर्तन होकर उनमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान इसकी व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति जो मेरा भक्त होता है पुनर्जन्म में, वह निश्चित ही किसी कुलीन परिवार में जन्म लेता है और पूर्व कर्म के अनुसार उसके अंदर दिव्य शक्ति आ जाती है और पुनः वहाँ से वह अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। जैसे मनुष्य योनि से देव योनि की प्राप्ति होने से शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्ति आ जाती है, इसे जन्मजात सिद्धि कहते हैं। जैसे भगवान कपिल, वेद व्यास, सुखदेव आदि महर्षियों में कई प्रकार की जन्म से होने वाली सिद्धियों का वर्णन इतिहास और पुराणों में देखा जाता है। इसी तरह जन्म से होने वाले दूसरे सिद्धि को भी समझ लेना चाहिए। औषधि से होने वाली सिद्धि। मनुष्य जब किसी औषधि के सेवन से अपने शरीर का कल्प कर लेता है, तब उससे भी शरीर में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे औषधिजा सिद्धि कहते हैं। औषधि अर्थात भौतिक पदार्थों का सेवन द्वारा किसी नेत्र आदि इंद्रियों में अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव भी इसी में आ जाता है। औषधि से केवल मनुष्य के ही शरीर आदि का परिवर्तन होता हो ऐसी बात नहीं है, वृक्ष, लता और पशु पक्षी आदि में भी अद्भुत पूर्व शक्ति आ जाती है तथा विभिन्न भौतिक विकास हो सकता है। मंत्र से होने वाली सिद्धि। जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करता है, तब उससे भी शरीर, इंद्रियों और चित्त में विलक्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे मंत्र जा सिद्धि कहते हैं। इनका वर्णन वेदों में और
तंत्र शास्त्रों में विस्तार पूर्वक है। तप से होने वाली सिद्धि जो चौथी सिद्धि है, जब मनुष्य शास्त्रोक्त तप का विधिवत अनुष्ठान करता है अथवा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भारी से भारी कष्ट सहर्ष सहन करता है परंतु धर्म का त्याग नहीं करता, तब उस तपश्चर्या के पश्चात उसके शरीर इंद्रियों और चित्त के समस्त मल भस्म हो जाते हैं और उनमें अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे तपजा सिद्धि कहते हैं। इतिहास ग्रंथों में इसका बहुत जगह वर्णन मिलता है, जैसे महर्षि भरद्वाज, विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियों ने तप से प्राप्त सिद्धियों का प्रयोग करके भी दिखलाया है। पांचवा और अंतिम उपाय जो सिद्धि प्राप्त करने की है वह है समाधि, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से जो शरीर इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है इसे समाधिजा सिद्धि कहते हैं। इसका वर्णन तीसरे पाद में विस्तार पूर्वक स्वयं सूत्रकार अर्थात महर्षि पतंजलि द्वारा की जा चुकी है, जिसको विभूति पाद कहते हैं। उपयुक्त सिद्धियों की प्राप्ति में जो शरीर इंद्रियों और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना है, यही परिणाम अंतर है, अतः इसी को जाति अंतर परिणाम कहते हैं। उक्त जात्यंतर परिणाम किस प्रकार कैसे होता है यह बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, एक जाति से दूसरे जाति में बदल जाना रूप जात्यंतर परिणाम प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। उक्त जाति अंतर परिणाम रूप परिवर्तन के लिए अर्थात उन उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए जिन जिन प्रकृतियों की अर्थात जिन जिन उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति से शरीर इंद्रियों और चित्त का एक जाति से दूसरे जाति में परिवर्तन होता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण प्रकृतियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे प्रकृति के प्रयोजक अर्थात प्रकृति को चलाने वाले हैं? इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, निमित्त प्रकृतियों को चलाने वाला नहीं है, उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। पहले बतलाए हुए जो जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण हैं वे प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले नहीं हैं, उनका काम तो केवल रुकावट को दूर कर देने मात्र से है। उसके बाद प्रकृतियों की पूर्ति तो अपने आप हो जाती है, जैसे किसान एक खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है तो केवल उसकी रुकावट को ही दूर करता है, उस जल को चलाने का काम वह नहीं करता। रुकावट दूर होने से जल अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में चले जाता है। उसी प्रकार पहले बतलाए हुए जन्म आदि निमित्तों के द्वारा जब रुकावट दूर हो जाता है तब शरीर इंद्रियां और चित्त इन सब में परिवर्तन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन उनकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। रुकावट दूर होने पर कमी को पूर्ण कर देना प्रकृति का स्वभाव है। निर्माण चितानि अर्थात बनाए हुए चित्त केवल अस्मिता से होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त का उपादान कारण अस्मिता है, अतः निमित्त यानी बनाए हुए सब चित्त केवल अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं। अस्मिता अर्थात एक तरह से भ्रम की स्थिति कह सकते हैं। अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है, जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रियों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला एक चित्त रहता है, उसी प्रकार उन बनाए हुए चित्तों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला संचालक एक ही चित्त होता है, जो कि योगी का स्वाभाविक चित्त होता है। पहले सूत्र में बतलाए हुए पांच प्रकार के सिद्धि चित्तों में से समाधि द्वारा सिद्ध हुए चित्त की विशेषता का वर्णन करते हैं। यहाँ पर चौथे और पांचवें सूत्र का जो अर्थ यहाँ पर बैठता है इसमें कई टीकाकारों का अलग अलग प्रसंग मिलता है। यहाँ पर जो मूल तत्व है महर्षि पतंजलि का वह उसको
एज इट इज रख दिया गया है। जो ध्यान जनित चित होता है वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। जो ध्यान जनित चित होता है अर्थात जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन पांच कारणों से शरीर, इंद्रियां और चित्त का विलक्षण परिणाम होता है। यह बात पहले कही गई। उन पांच प्रकार से उत्कर्षता को प्राप्त हुए चित्तों में से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है अर्थात समाधि द्वारा विलक्षण शक्ति वाला होता है, वह कर्म संस्कारों से रहित होता है, अतः वही कैवल्य का हेतु हो सकता है। दूसरे जन्म, औषधि आदि के द्वारा विलक्षण शक्ति युक्त चित्तों में कर्मों के संस्कार रहते हैं, इसी कारण वे कैवल्य के हेतु नहीं हो सकते। अब कर्म शून्य सिद्ध योगी के कर्मों की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरों के तीन प्रकार के होते हैं। शुक्ल कर्म उस कर्म को कहते हैं जिनका फल सुख भोग अथवा कृष्ण कर्म उनको कहते हैं जो नरक आदि दुखों के कारण है, अर्थात पुण्य कर्मों का नाम शुक्ल कर्म है और पाप कर्म का नाम कृष्ण कर्म है। सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी भोग देने वाला नहीं होते क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है। यह बात पहले कह चुके हैं, इसलिए उन कर्मों को अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। योगी के सिवा साधारण मनुष्यों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं, शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए। अब साधारण मनुष्यों के उन तीन प्रकार के कर्मों का भोग किस प्रकार होता है यह बतलाते हैं। उन तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित इकट्ठे हुए रहते हैं, अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होते हैं उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसा ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं। कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों के अनंत होते हैं, उनमें देश, काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती है इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति, देश और काल इन तीनों के व्यवधान रहने पर भी कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया गया है, यह उन कर्मों में जन्म का व्यवधान है। इसी तरह भिन्न भिन्न कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान होता है। इस प्रकार जन्म, देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कर्म का फल प्राप्त होने वाला है उसके अनुसार भोग वासना उत्पन्न होने में कोई अड़चन नहीं पड़ती क्योंकि स्मृति और संस्कार ये दोनों एक ही हैं। जिस कर्म फल का उत्पादक निमित्त कारण आ जाता है वैसे ही वासना प्रकट हो जाती है। यदि किसी को उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए गौ की योनि मिलने वाली है तो उसने गौ की योनि जब कभी पाई है उसकी वासना प्रकट हो जाएगी। भाव यह है कि चाहे उस जन्म के बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही समय बीत चुका हो और वह किसी भी देश में हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो जाएगी। स्मृति और संस्कारों की एकता होने के कारण जो फल मिलता है उसके अनुकूल भोग वासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है। यहाँ तक शंका होती है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासना होती है तब सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आई। इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, उन वासनाओं की अनादिता है क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से ही है। प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा
नित्य बनी रहती है। मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र से क्षुद्र जीवों में भी देखा जाता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। उस जन्म में भी मरण भय की व्याप्ति होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतएव वासनाओं का अनादित्व भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यदि वासनाएं अनादि हैं तब तो इनका अभाव भी नहीं होता होगा, फिर पुरुष की सुक्ति कैसे होगी। इस पर कहते हैं, हेतु फल आश्रय और आलंबन। हेतु फल आश्रय और आलंबन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है। इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। वासनाओं का हेतु अर्थात कारण अविद्या आदि क्लेश और उनके रहते हुए होने वाले कर्म हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। आश्रय चित्त है और शब्द आदि विषय आलंबन है। वासनाएं इनके संबंध से ही संग्रहित हो रही हैं। जब योग साधनों से इनका अभाव हो जाता है अर्थात जब विवेक ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाता है, तब कर्मों में फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती। चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है। उपयुक्त साधनों के न रहने से विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता। इस प्रकार हेतु फल आश्रय और आलंबन, इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का अभाव अपने आप हो जाता है, अतः योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि यदि सत वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके हेतु आदि का नाश होना कैसे संभव है। इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, धर्मों में काल का भेद होता है। इस कारण जो धर्म अविद्या वासना चित्त और चित्त की वृत्तियाँ आदि अतीत हो गए हैं और जो अनागत हैं अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। वस्तु का वास्तव में अभाव कभी नहीं होता। वस्तु के धर्म चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति में। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है, दूसरों की नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता। अतीत और अनागत अवस्था में वे अपने कारणों में रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते हैं। यह अपने कारण में विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है। योगी का उन वासना आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगी के पुनर्जन्म हेतु नहीं बन सकते। अब वे समस्त धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुण स्वरूप ही है, यह धर्म का असली रूप है। वे धर्म जिस समय वर्तमान है उस समय भी अपने कारण रूप गुणों से भिन्न नहीं है, तथा जिस समय अनागत और अतीत इन दोनों प्रकार के सूक्ष्म स्थिति में है तब भी गुण स्वरूप ही है, क्योंकि गुण उन धर्म रूप समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं में धर्मी अर्थात ये कारण रूप से सदैव अनुगत रहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु में उसका जो अपना कैरेक्टर गुण है उसी को धर्मी कहते हैं। जैसे आग में हमेशा तेज गर्मी रहेगा ही रहेगा, यह उसका जो है स्वभाव है, इसका कभी अभाव नहीं होता। अतः वास्तव में किसी भी वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं है। गुण स्वरूप वह सदैव विद्यमान है, परंतु परिणामशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। हर एक वस्तु से अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए थी। इस पर पतंजलि कहते हैं, परिणाम की एकता से वस्तु का वैसा होना संभव है, क्योंकि परिणाम अलग अलग है। कार्य कई बार एक जैसे होते हैं लेकिन उसका फल अलग अलग होता है। यहाँ पर कहते हैं कि भिन्न स्वभाव वाले गुणों का जब एक परिणाम होता है, सब मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के रूप में
परिणत होते हैं तब वैसा होने में कोई विरोध नहीं है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं और उसमें फिर नाना जाति, नाना आकार और नाना व्यक्तित्व का भेद हो जाता है, परंतु वस्तुतः वे अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न हैं, जिसको मूल गुण कहते हैं। उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं है। जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है, उनकी मान्यता गलत है, क्योंकि वस्तु के एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है, क्योंकि चित्त के अनुसार ही व्यक्ति वस्तु का अर्थ निकालता है। इसकी व्याख्या में कहते हैं कि एक ही वस्तु में मनुष्यों के चित्त की वृत्तियां अलग अलग होती है, अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है, यह प्रत्यक्ष है। इस परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती, अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दिखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाए तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जाती है। इस परिस्थिति में वह कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाएगी, अतएव वस्तु की एकता और उसे विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ है, यह मान्यता ही समीचीन है अर्थात अर्थपूर्ण है। पुनः पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए एक दूसरा सूत्र है, इसके सिवा दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय वस्तु का क्या होगा, क्योंकि दो चीज है, एक दृश्य जो वस्तु है, दूसरा दृष्टा जो देखने वाला है, और दृष्टा उस दृश्य का जो अर्थपूर्ण भाव निकालता है उसको कहते हैं दर्शन। तो तीनों जो है एकाकार हो जाए, अर्थात चित्त में कोई अर्थ भाव न बने, ऐसा दृष्टा ही आत्मस्वरूप कहलाता है। उसी को यहाँ पर कहा गया है कि दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी उस समय वस्तु का क्या होगा, वस्तु जो है समान एक वस्तु बनकर रह जाएगी, उसका गुण और अवगुण चित्त के स्वरूप में नहीं बनता दिखता है। इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, इसलिए भी कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यदि कल्पना मात्र मानी जाए तो जब वह चित्त उसको विषय करना छोड़ दे उस समय वह नहीं रहनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, वस्तु वैसी की वैसी ही विद्यमान रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है और वह सच्ची है। यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती, इसमें क्या कारण है। इस पर कहा जाता है कि चित्त वस्तु के उपराग अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है, इस कारण उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है, यह सर्वथा उचित है। इंद्रियों की समीपता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है उसी वस्तु को चित्त जान सकता है, अन्य वस्तु को नहीं। उसे वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग परछाई प्रतिबिंब की अपेक्षा है, अतः जब जिस वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है यानी इंद्रियों के द्वारा चित्त से जब जिस वस्तु का संबंध होता है उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है, और जिस समय वह उसके वृत्ति का विषय नहीं बनती अर्थात चित्त में उपरंजित नहीं होती उस समय अज्ञात है। इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं। उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है। चित्त का स्वामी कौन है, पुरुष।
जो आत्मस्वरूप है, और प्रकृति को क्या कहा जाता है? जड़। तो चित्त की वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती है, अर्थात आत्मा को जो चित्त का स्वामी है उसे चित्त की वृत्तियों का ज्ञान रहता है। चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसे देख सकता है, किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है, इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखते रहता है। यहाँ पर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि व्यक्ति भी अपने जरूरत के हिसाब से किसी वस्तु का अर्थ निकालता है। जरूरत न रहने पर उस वस्तु का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन यदि प्यास हो तो पानी का महत्व बढ़ जाता है। बूंद बूंद पानी के लिए व्यक्ति तरस जाता है, और प्यास नहीं हो तो समुद्र ही क्यों न सामने हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चित्त का जो स्वामी है उसको यह ज्ञान रहता है, क्योंकि वह जरूरत से परे है। इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है वे सभी उसे विदित रहती है। चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है उसी प्रकार अपना भी है। फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है? इस पर कहते हैं कि वह चित्त स्वप्रकाश अर्थात प्रकाश स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है। चित्त दृश्य है इसलिए जड़ है। वह स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है। उसमें जो चेतनता दिखलाई देती है जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से है। जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा रहता है और चित्त चेतन सा प्रतीत होने लगता है। परंतु वास्तव में जैसे इंद्रियां और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। चित्त को स्वप्रकाश मानने में दूसरा दोष दिखाते हैं। एक समय चोभयान व धारणम अर्थात एक काल में चित्त और उसका विषय इन दोनों के स्वरूप को जानना नहीं हो सकता है। बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, अर्थात जिस तरह से दर्पण में हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं ठीक उसी तरह से प्रतिबिंब में हम दिखते हैं, परंतु उस दर्पण में हम हैं नहीं, हैं तो इधर दिखते हैं उधर, ठीक उसी तरह से चित्त में भी प्रतिबिंब पड़ता है नहीं लेकिन दिखता है कि है, आभास होता है, भ्रम होता है। तब दृष्टा पुरुष को उस प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना युक्ति युक्त है, क्योंकि वह अपरिणामी है। परंतु चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ ही नहीं जान सकता, क्योंकि परिणामशील होने के कारण उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते। अतः यही समझना चाहिए कि चित्त स्वप्रकाश नहीं है। चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थ के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के अर्थात आत्मा के सामने रख देना है, फिर उसे जानने का काम तो आत्मा का है, पुरुष का है। चित्त से विषय का साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है। इस प्रकार चित्त का और विषय का एक साथ ज्ञान हो जाना है, यह मान लिया जाए तो क्या हानि है? एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा, इस प्रकार अनावस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। इस प्रकार एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से एक तो अनावस्था दोष आता है, दूसरे स्मृति के शंकर हो जाने का दोष आता है, क्योंकि एक चित्त ने तो किसी विषय को जाना, दूसरे ने उस विषय सहित चित्त को जाना, इसी प्रकार दूसरे को तीसरे ने, तीसरे ने चौथे को, इस तरह चलते रहने पर तो एक वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा। यह अनावस्था दोष आएगा और उन अनेक ज्ञानों की एक साथ स्मृति होने पर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है, स्मृति का मिश्रण हो जाएगा। सो यह किसी के अनुभव की बात नहीं है, सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं
कि अमुक पदार्थ को मैंने जाना था। ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थ को, उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान सहित ज्ञान को, फिर उसके भी ज्ञान सहित ज्ञान को मैंने जाना था। इस तरह से यह निरंतर अतः चित्त से भिन्न दृष्टा को मानना ही युक्ति संगत है। चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है, तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है, कौन है उसको देखने वाला, इस आत्मा को भी देखने वाला कौन है, क्योंकि पुरुष तो असंग है, निर्विकार है, वह किसी की दृष्टा या भोक्ता कैसे हो सकता है। इस पर कहा जाता है कि यद्यपि चेतन शक्ति क्रिया से रहित और असंग है, तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का, चित्त का ज्ञान होता है। चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रिया शून्य और असंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु विकारशील नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों के प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध में जब वह चित्त के आकार वाला सा हो जाता है, उस समय उसे वृत्तियों सहित बुद्धि का ज्ञान होता है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। वास्तव में तो पुरुष न ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही है, वह तो सर्वथा निर्विकार, असंग और स्वप्रकाश चेतन मात्र है। भाव यह है कि चेतन के उपराग से उपरंजित हुई बुद्धि का केवल अनुकरण करने वाला सा होने के कारण ही चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। ऐसा किस कारण से होता है, यह बतलाते हुए कहा जाता है कि दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है, क्योंकि दृष्टा कौन हो गया, आत्मा देखने वाला पुरुष, और दृश्य अर्थात वह ऑब्जेक्ट, वह पदार्थ, और इस पदार्थ का जो अर्थ निकलेगा वही दर्शन, अर्थात यहाँ पर चित्त में अर्थ चित्त विषयों से जो है लपेटा गया। यह चित्त जब दृश्य पदार्थ से रंगा हुआ है, अपने स्वरूप के सहित दृष्टा का विषय दृश्य बनकर उससे संबंधित होता है, तब दृष्टा और दृश्य इन दोनों के रंग में रंग जाता है, अर्थात उन दोनों का प्रतिबिंब इसमें पड़ने के कारण यह दोनों का आकार धारण कर लेता है और इसका निजी रूप भी वर्तमान रहता ही है। इस कारण यह चित्त ही सब अर्थ वाला हो जाता है, यानी दृश्य पदार्थ के रूप वाला, दृष्टा पुरुष के रूप वाला और अपने रूप वाला, इस प्रकार सर्व रूप वाला हो जाता है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए, चित्त तत्व या बुद्धि तत्व जो कुछ कहिए, यह तीनों गुणों का पहला और सात्विक परिणाम है, जो क्रियाशील, परिणामी और जड़ है, किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि के भांति उज्ज्वल है। यह चित्त का अपना रूप है, इस पर किसी का दाग नहीं पड़ता, किसी भी दृश्य वस्तु का अर्थ नहीं निकलता। दूसरा, इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है, अर्थात जिस पदार्थ का संबंध होता है, उसके रंग में रंगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, इसलिए पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। तीसरा, पुरुष के साथ संबंध होने के कारण वह दृष्टा चेतन पुरुष के रंग में रंगा हुआ रहता है, इसलिए यह तदाकार हुआ चेतन के रूप में प्रतीत होने लगता है। वास्तव में चित्त उसमें प्रतिबिंबित होने वाले विषयों से और चेतन पुरुष से सर्वथा भिन्न है, तो भी भ्रांति से उनके रूप में प्रतीत होने लग जाता है। अतएव कई दर्शनकार तो चित्त को ही चेतन दृष्टा मानकर कहने लगते हैं कि चित्त से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, और दूसरे यह कहते हैं कि चित्त से अतिरिक्त ये दिखने वाले गौ, घट आदि और उसके कारण रूप पंचभूत आदि पदार्थ भी कुछ नहीं है, चित्त ही सब रूप होकर दिखलाई देता है। परंतु यह भ्रम समाधि के द्वारा पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाने पर नष्ट हो जाता है। अब चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष की सत्ता की दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बताया जाता है, वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि यह सत्य कार्य अर्थात मिलजुल कर कार्य करने वाला है। जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिलजुल कर कार्य में समर्थ होती है वह संग सत्यकारी कहलाती है, जैसे मकान, भोजन इत्यादि। ऐसी वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे के लिए ही हुआ करती है, अपने लिए नहीं, अतः यह परार्थ कहलाती है। यह चित्त भी सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के मिश्रण से उत्पन्न है,
तथा बाह्य पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से उनसे मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होती है। अतः यह अपने लिए नहीं है, दृष्टा पुरुष के लिए है तथा उसी के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए यह नाना वासनाओं से चित्रित है। भाव यह है कि यद्यपि चित्त में ही सब बाह्य पदार्थों के चित्र पड़ते हैं और वह अगणित वासनाओं से रंगा हुआ है, तो भी वह स्वयं प्रकाश और दृष्टा नहीं है, क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इंद्रिय आदि से मिलजुल कर काम करने वाला है, अतः दूसरे के लिए है। यहाँ तक चित्त और आत्मा इन दोनों की भिन्नता का युक्तियों द्वारा प्रतिपादन किया, किंतु युक्तियों से तो आत्मा का स्वरूप सामान्य भाव से ही समझ में आता है। उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान तो समाधि द्वारा ही हो सकता है। अतः समाधि में होने वाले विवेक ज्ञान द्वारा जब योगी आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तब उसकी क्या पहचान है, यह बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्ति, अर्थात समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्मभाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार के संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ इत्यादि, इसका नाम आत्मभाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है। यह जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक ऊँचे से ऊँचे साधक में भी विद्यमान रहती है। परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया है कि शरीर और चित्त आदि से आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है और उसकी उपयुक्त आत्मभाव भावना सर्वथा मिट जाती है, यही उसकी पहचान है। अर्थात उस दृश्य के स्वरूप को देख करके कोई चित्त में भाव न बनना ही योगी पुरुष की चित्त की स्थिति है। उस समय योगी की चित्त की कैसी स्थिति होती है? उस समय योगी का चित्त विवेक में झुका हुआ कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, अर्थात केवल परमपिता परमात्मा। अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण अर्थात विषयों के अभिमुख रहता है। जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है, उस समय योगी का चित्त निःसार संसार के विषयों की ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस विवेक ज्ञान में निरंतर बहता है तथा कैवल्य के अभिमुख हो जाता है, यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है। क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही कैवल्य है। यदि योगी का चित्त विवेक ज्ञान में झुका हुआ रहता है तथा अपने कारण में विलीन होने लगता है, तो फिर व्युत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होती होंगी, इस पर कहते हैं, उसके अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। विवेक ज्ञान में निमग्न हुए चित्त में व्युत्थान अवस्थाओं के समय जो अन्य वस्तुओं की प्रतीति का व्यवहार देखने में आता है, वह दग्ध बीज के सदृश विद्यमान पूर्व संस्कारों से देखने में आता है। उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब और कैसे होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति कहा है। दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश है, उनका अभाव जैसे प्रति प्रसव से अर्थात कारण में कार्य के लय से बतलाया है, उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिए। जब तक किसी भी परिस्थिति में चित्त वर्तमान है, तब तक संस्कारों का सर्वथा नाश नहीं होता। उनका नाश तो चित्त के अपने कारण गुणों में विलीन होने पर उसके साथ ही होता है, परंतु भुने हुए बीज के सदृश ज्ञान रूप अग्नि से जलाए हुए संस्कार विद्यमान रह कर भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते। अतः उनके कारण होने वाले पदार्थों का ज्ञान नए संस्कारों का उत्पादक नहीं है। विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहा गया है कि जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म मेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। अब ये धर्म मेघ समाधि एक नया शब्द आया, जब विवेक ज्ञान उदय होता है, समझे इसको, तब योगी के चित्त में अत्यंत
स्वच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होने पर भी जो योगी उस सामर्थ्य का उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञाता रूप ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेक ज्ञान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ सकता, वह निरंतर प्रकाशमान रहता है। इसलिए तत्काल ही उस योगी को धर्म मेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। अब उस धर्म मेघ समाधि से क्या होता है? उस धर्म मेघ समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। उक्त प्रकार से जब योगी की धर्म मेघ समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगी के अविद्या आदि पांचों क्लेश तथा शुक्ल कृष्ण और मिश्रित ऐसे तीनों प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं, अतः वह योगी जीवन मुक्त कहलाता है। उस समय योगी के ज्ञान का क्या स्वरूप होता है, इसको बतलाते हुए कहा गया है कि उस समय जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, अर्थात ये अज्ञान के पर्दे, अज्ञान के मल, क्लेश का मल, राग विराग द्वेष इत्यादि का जो मल है, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। ज्ञेय अर्थात जानने वाला। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे रहते हैं एवं उसमें जितने भी कर्म संस्कार रूप में संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब के सब उपयुक्त धर्म में समाधि में नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। तब दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे ऐसे अल्प हो जाते हैं, या जिस प्रकार आकाश में जुगनू उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह सकता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील हैं, अतः उनका परिणाम अवश्यंभावी है, फिर वे योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं कि उसके बाद जो है अपने काम को पूरा कर चुकने वाले गुणों के परिणाम संबंधी सिलसिले की समाप्ति हो जाती है। जब योगी को धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है, तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उनका काम जो पुरुष को भोग और अपवर्ग देना है पूरा हो जाता है। इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना रूप परिणाम क्रम है, वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है। अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। प्रसंगवश क्रम का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जो क्षणों की प्रतियोगी है और जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वही क्रम है। कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में रहते हुए भी पुरानी होती चली जाती है, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिन में, एक घड़ी में या एक पल में नहीं होता है। उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होते रहता है, परंतु जानने में नहीं आता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा कब बड़ा हो जाता है, कब जवान हो जाता है, कब बूढ़ा हो जाता है, यह पता ही नहीं चलता है, प्रति क्षण बदलते रहता है। उस वस्तु का दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदलती है, क्रम से धीरे धीरे और इतना धीरे धीरे बदलता है कि पता भी नहीं चलता है। इस प्रकार क्रम का ज्ञान परिणाम के अंत में होने से उसे यहाँ परिणाम परांत निग्रह कहा है, और प्रत्येक क्षण से इसका संबंध है। एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण, इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापर का ज्ञापक जानने में निमित्त है, उसी को क्रम कहते हैं। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा गया है। क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी यानी विभाजक है, वह क्रम है। पहले अभी 32 सूत्र में और ये 33वां सूत्र अर्थात गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति को कैवल्य नाम दिया गया है। अर्थात अब गुण ही नहीं बचे, क्या वह सत्य, क्या वह रज और क्या वह तम, अर्थात प्रकृति से वियोग हो गया। क्योंकि यह जब तक गुण है तभी तक तो प्रकृति का प्रतिपादन है, प्रकृति का अपना स्वरूप है। जिस पुरुष का अर्थात जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है।
अथवा यूं कह सकते हैं कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। केवल 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 शब्द से कैवल्य, केवल वही दृष्टा बचा। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए है। इसी काम को पूरा करने के लिए वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रियां और शब्द आदि विषयों के आकार में परिणत होते हैं। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग भुगता कर अपवर्ग संपादन कर देते हैं, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना है। गुणों का, महर्षि पतंजलि का योग जो है, योग का सामान्य अर्थ तो जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर बहुत गुढ़ बात है, अंत में है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राकृतिक गुणों से जब पुरुष अलग हो जाता है, अर्थात प्रकृति से पुरुष का वियोग ही योग है। गुणों का वियोग अर्थात उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था, उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। इस प्रकार यह कैवल्य पाद जो महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित जो है चतुर्थ पाद था, इसको हम लोगों ने देखा और बड़े सरलतम तरीके से महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन, जिसकी हिंदी व्याख्या हम लोगों ने पढ़े, और चारों पाद हमने एक एक करके चार वीडियो में, साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद का अध्ययन किए। यह भगवान विष्णु कहते हैं कि हम सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ, योगेश्वर, शिव, ब्रह्मा, सूर्य इत्यादि को बताए, और यही महर्षि पतंजलि ने संग्रहित किया और इस योग दर्शन को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राज योग, सहज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग इत्यादि बहुत ही विस्तार से पढ़े। इस पतंजलि योग दर्शन को हमने 5 वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रथम वीडियो आपका जो है सारांश इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसके बाद एक एक पाद को हमने अलग अलग वीडियो में जो है पढ़े। अब अंत में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव शर्मम देव देव। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।